CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला बंजारन, प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में बंजारन ने डॉक्टर और डाकिये के बारे में जानकारी दी है। आलेख विभा देवसरे का है, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। दोस्तों जय हिंद। तो लो दोस्तों, तुमसे बातचीत करने आ रही है बंजारन। बच्चों, एक बार ताली बजाओ और जोर से बोलो नमस्ते। अरे बंजारन, कल तो तुम भाग गई थी चंदू डाकिये से मिलने का बहाना बनाकर। बड़ी पक्की हो बहाना बनाने में। बड़ी पक्की हो बहाना बनाने में। देखो बच्चों, जब देखो ये पोपटलाल लड़के की बातें करते हैं। बहाना नहीं था वो, सचमुच मिलने गई थी मैं। विश्वास न हो तो पोटली में से निकाल के अभी मैं ये चिट्ठी दिखाती हूँ तुम्हें। ठहरो, ये देखो, है ना ये चिट्ठी, चंदू डाके ने दी है ये चिट्ठी। अरे हाँ, ये बंजारन तो सचमुच चिट्ठी दिखा रही है। पर बंजारन, तुम तो हमेशा घूमती रहती हो, कभी धोबी के यहाँ, कभी जुलाहे के यहाँ, और कभी ठठेरे के यहाँ, और या फिर कुम्हार के यहाँ। फिर तो डाकिया तुम्हारी चिट्ठी लिए घूमता रहा होगा। बेचारा बहुत परेशान हुआ होगा, क्योंकि तुम्हारा कोई ठिकाना ही नहीं रहता। आज यहाँ तो कल वहाँ। हाँ भैया पोपटलाल, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि अगर चिट्ठी पर ठीक पता नहीं लिखा हो तो चिट्ठी ठीक जगह पर नहीं पहुंच पाती। दोस्तों, पहले जमाने में कबूतर ही डाकिये का काम करता था। यानी कबूतर ही एक जगह से दूसरी जगह तक चिट्ठियां पहुंचाता था। हाँ हाँ बच्चों, लेकिन अब तो खाकी रंग के कपड़े पहने डाकिया कंधे पर झोला लटकाए साइकिल पर सवार होकर आता है और घर घर चिट्ठियां पहुंचाता है। चिट्ठियों में दूसरे गांवों शहरों में रह रहे लोगों की खबरें होती हैं। और पोपटलाल, बच्चों को ये भी तो बता दो कि डाकिया कभी कभी पैसे भी देता है। बंजारन, तुम्हारा दिमाग हमेशा पैसे में ही लगा रहता है। नहीं नहीं बच्चों, मैं बिल्कुल ठीक बता रही हूँ। डाकिया कभी कभी पैसे भी लाता है। अरे क्या कहते हैं उसे, मुझे तो कुछ याद नहीं, कौन सा आर्डर। अच्छा अच्छा, तो तुम मनी ऑर्डर की बात कर रही हो। हाँ हाँ, मनी ऑर्डर। पर बंजारन, जो दोस्त बैठे हैं ना, ये सब पढ़ना लिखना सीख रहे हैं। अच्छा, इनके घरों में अब जब कहीं से चिट्ठियां आएंगी तो ये अपनी दादी नानी को पढ़कर सुना दिया करेंगे। अच्छा, सो तो ये बच्चे बहुत होशियार हैं। पर बच्चों, तुम्हें ये पता है
कि चिट्ठी इतनी दूर से हमारे पास कैसे आ जाती है। अरे उस चंदू डाकिये ने ही मुझे ये सब बताया है। लो सुनो तुम भी। वो कह रहा था चिट्ठी पर पता लिखते हैं फिर इसे एक लाल डिब्बे में डाल देते हैं। यानी पहले चिट्ठी लिखी। हाँ। उस पर पता लिखा। और फिर लाल डिब्बे में डाल दिया। हाँ। अच्छा तो फिर आगे बताओ। फिर आगे लाल डिब्बे में से डाकिया चिट्ठियों को निकालकर डाकघर ले जाता है और डाकघर से वो चिट्ठियां थैलों में बंद करके रेलगाड़ियों से अलग-अलग शहरों में पहुंचाई जाती हैं। वहां से उन्हें डाकघरों में भेज दिया जाता है और फिर बच्चों डाकघर से उन्हें डाकिया ले जाता है और पता पढ़कर उन्हें बांट देता है। हां मुझे याद आया। अरे डाकिया मुझसे माधो डॉक्टर का पता पूछ रहा था। ओहो माधो डॉक्टर। हां वो तो अभी नए-नए गांव में आए हैं। पहले तो वो चौधरी के ही घर में रहते थे लेकिन अब कहीं और रहने लगे हैं शायद। हां हां मैं माधो डॉक्टर के घर गई थी एक दिन। अब वे पंचायत समिति दफ्तर के पीछे रहने लगे हैं। पास में ही उनका दवाखाना है। तुम वहां भी पहुंच गई बंजारन। दोस्तों कोई ऐसी जगह नहीं है जहां ये बंजारन ना पहुंचे। लो और सुनो बच्चों। अरे भाई ये तो तुम जानते ही हो कि हम सभी को डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। एक दिन मैं बीमार पड़ गई थी तो वहां दवाई लेने गई थी। उन्होंने ही मुझे ठीक किया था। पोपटलाल माधो डॉक्टर ने उस दिन एक बहुत मजे की बात बताई। हुआ ये कि माधो डॉक्टर जब गांव में आए तो बहुत से लोग उनके घर लाठी लेकर गए। अरे ऐसा क्या हो गया? उसकी बहुत मजेदार कहानी है। तो बंजारन सुनाओ ना। सुनाओ सुनाओ। तो सुनो। हुआ ये कि इस गांव के सरजू पंडित की तबीयत एक दिन बहुत खराब हो गई। उन्हें बहुत तेज बुखार आया और बदन कांपने लगा। पंडिताइन बेचारी घबरा गई। उन्होंने समझा जरूर कोई भूत प्रेत चढ़ा है। बस वो गांव के भूरे बाबा को बुला लाई। लेकिन भूरे बाबा के आने से पहले सरजू पंडित का बेटा दिनेश डॉक्टर को ले आया। डॉक्टर ने सरजू पंडित को देखा, उन्हें दवा और गोली दी और कहा कि कल इनके खून की जांच करनी पड़ेगी। पर सरजू पंडित जी दवा खाने को तैयार ही नहीं हुए। खून की जांच का नाम सुनते ही चिल्लाने लगे। इतने में भूरे बाबा आ गए। उन्होंने कहा कि पंडित जी के ऊपर भूत चढ़ा है। और बच्चों भूरे बाबा ने सरजू पंडित जी को तेज बुखार में ठंडे पानी से नहला दिया। दिनेश बेचारा चिल्लाता रहा कि डॉक्टर ने मना किया है मना किया है, पर उसकी किसी ने नहीं सुनी। सरजू पंडित की हालत बिगड़ने लगी
और पंडिताइन ने सोचा इनकी हालत डॉक्टर की दवा से ही बिगड़ी है। जो भी गांव वाला पंडिताइन की बात सुनता डॉक्टर की बुराई करने लगता। थोड़ी देर में भूरे बाबा के कहने पर सब लोग माधो डॉक्टर के घर पहुंच गए और भला बुरा कहने लगे। डॉक्टर बहुत समझाते रहे मगर उनकी बात सुनने को कोई भी तैयार नहीं था। यह बात गांव वालों के मन में बैठ गई कि माधो डॉक्टर ने ही सरजू पंडित पर भूत चढ़ा दिया है। बड़ी मुश्किल से गांव के मास्टर साहब ने लोगों को समझाया और उन्हें वापस घर भेजा। मगर भूरे बाबा के उल्टे सीधे इलाज से सरजू पंडित की हालत और भी बिगड़ गई। सरजू पंडित का बेटा दिनेश छोटा तो था लेकिन होशियार बहुत था। वो दौड़ा दौड़ा मास्टर साहब के घर गया और रोने लगा। मास्टर जी के बहुत पूछने पर उसने बताया उसके बापू की हालत बहुत खराब है, भूरे बाबा उनकी जान ले लेंगे। मास्टर जी और दिनेश झटपट माधु डॉक्टर को साथ लेकर सरजू पंडित के घर पहुंचे। माधु डॉक्टर ने उनका बुखार देखा, उन्हें सुई लगाई और दवा पिलाई, फिर कहा कि उन्हें पूरा आराम मिलना चाहिए। बुखार उतरने पर खून की जांच होगी। सरजू पंडित डॉक्टर के इलाज से कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो गए। अब जब भी कोई गांव में बीमार पड़ता है डॉक्टर से ही दवा लेता है और बच्चों उसके बाद से तो डॉक्टर पर सभी गांव वालों का बड़ा विश्वास हो गया। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि पढ़ लिख कर तुम में से कौन कौन डॉक्टर बनना चाहता है? हाँ हाँ, जो जो डॉक्टर बनना चाहता है वो अपना हाथ ऊंचा करे। अरे वाह बंजारा, देखो तो कितने दोस्तों ने हाथ ऊंचे कर लिए हैं। वाह 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 वाह, शाबाश। अच्छा बच्चों, अब मैं चलती हूँ। अब चलते चलते हो जाए अपना गाना। एक, दो, तीन। कहो जय हिंद। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम फिर मिलेंगे। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता।
दोस्तों जय हिंद। तो दोस्तों इस साल तुमने अपनी कक्षा में रोज नए नए कई कार्यक्रम सुने। हमने तुम्हें बहुत से गीत सुनवाए। सुबह सुबह आवाज लगाता सप्तम सुर में गाना गाता, सुबह सुबह आवाज लगाता सप्तम सुर में गाना गाता। उठो उठो सोए हो क्यों कुकड़ू को भाई कुकड़ू को, उठो उठो सोए हो क्यों कुकड़ू को भाई कुकड़ू को, कुकड़ू को भाई कुकड़ू को, कुकड़ू को भाई कुकड़ू को, हाँ कुकड़ू को भाई कुकड़ू को, कुकड़ू को भाई कुकड़ू को, कुकड़ू को कुकड़ू को कुकड़ू को कुकड़ू को। नई निराली चाल ढाल है सिर पर कल के लाल लाल है, नई निराली चाल ढाल है सिर पर कल के लाल लाल है। उठो उठो सोए हो क्यों कुकड़ू को भाई कुकड़ू को, उठो उठो सोए हो क्यों कुकड़ू को भाई कुकड़ू को, कुकड़ू को भाई कुकड़ू को, कुकड़ू को भाई कुकड़ू को, हाँ कुकड़ू को भाई कुकड़ू को, कुकड़ू को भाई कुकड़ू को। बहुत सी कहानियां सुनवाई। फिर नन्हा खरगोश का बच्चा उछल उछल कर दौड़ चला, वापस घर को भाग चला वो शहर घूम कर भाग चला। बूढ़ी दादा मुझे घुमा दो टिक 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 सैर करा दो, ऊंट दादा बैल दादा दादा मुझको शहर घुमा दो, दादा मुझको शहर घुमा दो। फिर नन्हा खरगोश का बच्चा उछल उछल कर दौड़ चला, वापस घर को भाग चला वो शहर घूम कर भाग चला। तभी मिले एक गधे राम, झटपट उनको किया सलाम, गधा लेकर चला सवारी रैंकने की करी तैयारी, रैंकने की करी तैयारी। फिर नन्हा खरगोश का बच्चा उछल उछल कर दौड़ चला, वापस घर को भाग चला वो शहर घूम कर भाग चला। और हाँ बहुत से खेल भी तो खिलाए। और भाई तुम लोग जो रेडियो पर मेरी बात सुन रहे हो ना, तुम भी वही करना जो मैं कहूंगा। अच्छा तो अब शुरू करें ये खेल। उठो रे उठो, उठो रे उठो, बैठो रे बैठो, बैठो तुम लोग भी बैठ जाओ। उठो रे उठो, उठो रे उठो, तुम भी खड़े हो जाओ। बैठो रे बैठो, बैठो रे बैठो, उठो रे उठो, हंसो रे हंसो, हंसो रे हंसो, बैठो रे बैठो, बैठो रे बैठो, तुम सब भी बैठ जाओ। अच्छा उठो रे उठो, उठो रे उठो, रो रे रो, तुम सब भी रोने लगो। रो रे रो, तुम लोग भी रो, तुम लोग भी, हाँ उठो रे उठो, उठो रे उठो, हंसो रे हंसो, बैठो रे बैठो, बैठो, तुम भी बैठ जाओ। हाँ अच्छा अब लेटो रे लेटो, हाँ तुम लोग भी लेट जाओ ठीक। हाँ देखो कुछ लोग अभी नहीं लेटे हैं। अच्छा बैठो रे बैठो, और अब ताली बजाओ रे ताली बजाओ, तुम सब भी ताली बजाओ। हाँ इन सभी के साथ हमने तुम्हें कुछ गीत सिखाए। गाय गाय दूध दे, गाय गाय दूध दे, गाय गाय दूध दे, गाय गाय दूध दे, दूध दूध दही दे, दूध दूध दही दे, दूध दूध दही दे, दूध दूध दही दे। सब बच्चे गाओ भाई, दूध दूध दही दे, दूध दूध दही दे, दही दही लस्सी दे, दही दही लस्सी दे, लस्सी लस्सी मक्खन दे, लस्सी लस्सी मक्खन दे,
लस्सी लस्सी मक्खन दे, लस्सी लस्सी मक्खन दे, मक्खन मक्खन घी दे, मक्खन मक्खन घी दे, मक्खन मक्खन घी दे, मक्खन मक्खन घी दे, गाय गाय दूध दे, गाय इसी के साथ साथ दोस्तों हमने तुम्हें कुछ त्योहारों पर भी कार्यक्रम सुनवाए जैसे गुरु नानक के जन्म दिवस पर दशहरे पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर बाल दिवस पर याद है ना दोस्तों और अब दोस्तों आज हम तुम्हें इस साल का आखिरी कार्यक्रम सुनवा रहे हैं यानी आज के बाद तुम अगले कार्यक्रम तब सुन सकोगे जब तुम दूसरी कक्षा में आ जाओगे। दोस्तों जो कार्यक्रम हमने तुम्हें इस साल सुनवाए इनके बारे में हम तुमसे जानना चाहते थे तो बस हमने क्या किया जानते हो? हम पहुंच गए उन स्कूलों में जहां पर ये कार्यक्रम सुनवाए जा रहे थे और वहां पर वहीं के दोस्तों से बातचीत की। अब तुम जानना चाहते हो ना कि हमने क्या बातचीत की? तो लो वही बातचीत मैं तुम्हें सुनवा रहा हूं। दोस्तों जब मैं एक स्कूल में गया तो वहां के दोस्त उसी समय रेडियो कार्यक्रम सुनने के बाद अपनी कक्षा में बैठे थे। बस मैंने पिछले कुछ कार्यक्रमों के बारे में उनसे बातचीत की। लो सुनो। हां तो दोस्तों कुत्ता भौंकता है, ठीक है ना? कुत्ता भौंकता है। बकरी मिमियाती है, बिल्कुल ठीक है। कैसे मिमियाती है? ठीक है, अब ये तो तुम्हें मालूम है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, गधा रेखता है, गधा रेखता है, कैसे रेखता है? डेचो डेचो डेचो। अच्छा अब जरा ये तो बता, घोड़ा पशु है? घोड़ा पशु है, मोर पक्षी पक्षी है। भाई जरा जोर से बोलना। हां कबूतर पक्षी है, पक्षी है, कबूतर पक्षी है। गधा पक्षी हाँ, कबूतर पक्षी है और गधा पशु। ठीक है। अच्छा कौवा पक्षी है, कोयल पक्षी है। अच्छा गाय पशु है, कुत्ता पशु है। ठीक है ये भी बता दिया। अब जरा बताओ, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, बिल्कुल ठीक। अच्छा अब जरा ये तो बताओ, माँ की बहन को मौसी कहते हैं। अब ये बताओ माँ के भाई को क्या कहते हैं? मामा। ये भी ठीक बता दिया। अच्छा माँ की माँ को नानी कहते हैं। माँ के पिताजी को क्या कहते हैं? नाना। अच्छा आप ये बताओ सकरे रास्ते को पगडंडी कहते हैं। क्या कहते हैं? पगडंडी कहते हैं। पक्के और तारकोल के रास्ते को क्या कहते हैं? सड़क। बिल्कुल ठीक बता दिया। अब ये बताओ तोता टैं टैं करता है और मुर्गा कुकुरू कुकुरू।
और फिर दोस्तों, जैसा कि तुम जानते ही हो, हमने कई कहानियां तुम्हें सुनवाई थी। उन्हीं में से एक कहानी इस नन्हे दोस्त ने सुनाई। क्या नाम है तुम्हारा? महेंद्र सिंह। अच्छा महेंद्र सिंह, तुम हमें कौन सी कहानी सुना रहे हो? छोटू खरगोश की। सुनाओ। एक छोटू खरगोश था, वह बाग में रहता था। एक जंगल था बहुत बड़ा, उसमें श्याल बकरी भैंस रहती थी। तो वह छोटू खरगोश नहाता और कपड़ा धोता और तेल गालता माथे में, दातन करता और फिर बाग में जाता और गाजर मूली खाता और खूब मोटा हो गया। और जंदावर सब गंदगी गंदगी कर रखी जंगल में, और घर भी साफ नहीं करते, नहाते भी नहीं, धोते भी नहीं, कपड़े भी साफ नहीं रखते। तो फिर वे बीमार हो गए, वहाँ बीमारी फैल गई। तो छोटू खरगोश कहता कहता आगता हो गया, आगता होकर नानी के भाग गया। नानी के जाकर एक चिड़िया गई, ची 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 करने लगी। तो वह चिंची सुनकर छोटू खरगोश कल डॉक्टर के आया, कल डॉक्टर को ले गया और इसका फटकारा उसको, जानवरों को, बकरी में श्याल श्याल, फिर वह इलाज करे और फिर वह साफ सुथरे रहे वो चार, फिर और फिर सब साफ सुथरे रहने लगे। दोस्तों, मैं एक स्कूल में गया जहाँ के दोस्तों के साथ मैंने एक मजेदार खेल खेला। खेल ऐसा है कि मैं जितनी गिनती गिनूंगा उतनी ही तुम लोग ताली बजाओगे। एक बार फिर से बता दूं, जितनी गिनती मैं गिनूंगा उतनी ही तुम ताली बजाओगे। जैसे मैंने कहा एक, तो तुम एक बार ताली बजाओगे। बजा के दिखाओ, एक, सिर्फ एक बार ताली बजाओ, एक। हाँ, जैसे तुमने अभी ताली बजाई ना, ऐसे ही जब मैं एक कहूंगा तो तुम एक बार ताली बजाओगे, हाँ? और जब मैं कहूंगा एक दो तो तुम दो बार ताली बजाओगे, ठीक है? अब मैंने जैसे कहा एक दो, हाँ, तीन बार मत बजाना, एक दो। अब खेल शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना, जितनी गिनती मैं गिनूंगा उतनी ही तुम तालियां बजाओगे। हाँ तो सब तैयार हो ना? मैंने कहा एक, भाई दो बार जो बजाएगा वो हार जाएगा, ध्यान से सुनो, एक, 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 एक दो, एक दो। तीन बार जो बजा रहा है वो हार जाएगा, एक, एक दो, एक, एक दो, एक दो तीन। हाँ मैंने तीन बार कहा भाई, एक दो तीन, एक, एक दो, एक, एक दो, एक दो तीन। कैसा लगा खेल? और अब दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। अब हम फिर मिलेंगे जब तुम सब दूसरी कक्षा में आ जाओगे। तो भाई सब कहो जय हिंद। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।